हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ सूजी का हलवा शेयर कर रही हूँ। यह खाने में बहुत ही टेस्टी और एक नए तरीके से बनाएंगे हम इसे। आप इसे आटे का भी बना सकते हैं उसी लिए से। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। सूजी के हलवे के लिए हमने आधा कटोरी सूजी को छोटी 3 स्पून दूध से आधा घंटे के लिए भिगो दिया था, आप देख सकते हैं। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ आधा कटोरी सूजी के साथ आधा कटोरी से थोड़ा सा कम घी लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे, गर्म होने देंगे। अब हम इसमें भीगी हुई सूजी को ऐड करेंगे। हमने इसे इस चम्मच से 3 चम्मच दूध का लेके आधा कटोरी सूजी में आधा घंटे के लिए भिगो कर रखा है। इससे हमारा हलवा बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनता है। हमें यहाँ सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। एक बात ध्यान रखें, सूजी को जब दूध में हम 2 से 3 चम्मच दूध में भिगोएंगे उसके बाद आधा घंटे बाद उसे मोटी छलनी में से छान लें ताकि इसमें लम्स ना रहे या हाथों से इसे मसल। सूजी का कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। आप इसकी जगह आधा कटोरी आटा भी ले सकते हैं और आटा और सूजी दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ले रहे हैं। मैं काजू और बादाम ले रही हूँ। हम इसे भी 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें नॉर्मल टेम्परेचर आधा कटोरी दूध डालेंगे, उसे मिलाएंगे। आधा कटोरी सूजी में हम आधा कटोरी चीनी डालेंगे। आप थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे 2-3 मिनट तक। अब हम इसको आधा कटोरी सूजी में 2 कटोरी उबलता हुआ हाई फ्लेम पर पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और तेज आंच पर इसे पकाएंगे। तेज आंच पर हम इसे लगातार मिलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं गाढ़ा होना शुरू हो गया है। घी छोड़ने तक हम इसे ऐसे ही मिलाते रहेंगे। गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे ऊपर से। अब हम इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर चलाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा येलो कलर जो मैंने दूध में 1 चम्मच दूध में मिक्स करके रखा है मिक्स करके ही डालें और फिर अच्छे से इसे मिलाएं। ये देखिए घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ये इकट्ठा होने लगा है, बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा। अब यह हमारा हलवा बनकर रेडी है। हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। हमने हलवा प्लेट में निकाल लिया है। इसमें आधा कटोरी सूजी में आधा कटोरी चीनी बराबर पड़ती है। इससे टेस्ट में मीठा ना कम रहता है ना ज़्यादा। मैं इसे थोड़े बादाम से हीट कर रही हूँ। इलायची पाउडर, थोड़ा नारियल का बुरादा। हमारा हलवा बनकर रेडी है। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।